यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्लियर करने के लिए कैंडिडेट्स कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार असफलता उन्हें निराश कर देती है। बुशरा बानो की कहानी ऐसे सभी कैंडिडेट्स को प्रेरणा दे सकती है। बुशरा बानो आज भले ही आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उनके लिए यह सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। बुशरा बानो ने साल 2018 के सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता हासिल की थी। बुशरा बानो को 277 रैंक प्राप्त हुई थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की भी स्टूडेंट रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी कर दी गई थी। उनका सपना बचपन से ही आईएएस अधिकारी बनने का था। शादी के बाद बुशरा अपने पति के साथ सऊदी अरब चली गईं, क्योंकि उनके पति वहाँ प्रोफेसर थे। बुशरा बानो को यहाँ काफ़ी परेशानी होती थी और वह खुद से ही सवाल करती थीं कि अपने देश के लिए वह क्या कर रही हैं। वह वापस अपने देश आ गईं और फिर एक बार उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। यहाँ उन्होंने यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू की तो उनके सामने दोगुनी चुनौतियाँ थीं। उन्हें अपने पति और बच्चों का भी ध्यान रखना होता था। यहाँ वह एक नौकरी भी कर रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार दूसरे प्रयास में कामयाब होकर आराम से बैठी। एक्चुअली मैं कन्नौज जिले में एक छोटा सा कस्बा है सौरिक, वहां से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो जो भी एग्जाम्स देते थे तो उसमें अच्छा करते थे, ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन ही आती थी मेरी। तो मेरे जो टीचर्स थे और साथ में मेरे पेरेंट्स के जो जानने वाले थे वो कहते थे कि इसको आईएएस बनाना है, ये बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है और उसको बहुत कैचिंग पावर, उसकी काफी अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उसको आईएएस बनाना। तो इस तरह से लोग बचपन में भी कलेक्टर कलेक्टर इसलिए कहते थे क्योंकि मैं हर चीज में अच्छा करती थी। स्पोर्ट्स में भी एकेडमिक असिस्टेंट प्रोफेसर थे वहां पे। तो मैंने जब यूपीएससी 2015 का रिजल्ट देखा तो मेरे मन में जो मेरी बचपन की ख्वाहिश थी वो आई, क्योंकि उस टाइम मैं तब नहीं इसलिए कर पाई कि मेरी एज काफी कम थी, 21 साल मिनिमम एज होती है और मैं 17 साल में ही ग्रेजुएट थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मेरा एक बेटा भी हो गया था तब, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे यूपीएससी करना है, क्योंकि उम्र बहुत कम में कर लिया था इसलिए मेरे पास काफी टाइम था उस चीजों को करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप को यहाँ से तो कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा हाँ, मैं रिजाइन देना चाहती हूँ, मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ। और एक देश प्रेम की भावना भी थी कि जो चीजें मैंने इंडिया से सीखी है मैं विदेश में उसको यूज कर रही हूँ, दूसरे बच्चों पे यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं अपने देश को आगे ले जा सकती हूँ। तो उसमें मुझे अपने कंट्री को सर्व करना है, अपने लोगों को की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है। तो फिर हम इंडिया आ गए वापस, मैंने तैयारी की यूपीएससी की, तो मेरा कोल इंडिया में हो गया था सिलेक्शन। हाँ, मैंने कोल इंडिया में एज अ मैनेजर ज्वाइन किया। मैंने जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा था वो मेरा नहीं हुआ सक्सेसफुल, तो मैंने यूपीएससी का सेकेंड अटेम्प्ट में, मतलब मेरा ऑल इंडिया रैंक 277 आई, तो मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुई। तो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था तो मैंने इसलिए यूपी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखा। तो मुझे यूपी में छठी रैंक सिक्स्थ पोजीशन आई थी, तो मुझे डिप्टी कलेक्टर अलॉट हुआ। मैं अभी करंटली भी एसडीएम टूंडला फिरोजाबाद में वर्क कर रही हूँ। तो मैंने आईआरटीएस छोड़ के एसडीएम ज्वाइन किया और फिर उसके बाद भी मुझे एक्चुअली ग्रुप ए में जाना था, तो इसलिए फिर मैंने इस साल एग्जाम फिर लिखा और ऑल इंडिया रैंक 234 मेरी आई और मुझे अभी आईपीएस अलॉट हुआ है। तो ये एक लंबा सफर है, पिछले 12 साल से मैं जॉब में हूँ और मैंने इस चीज को काफी इंजॉय किया है, अपने अपने जो स्ट्रगल्स कहेंगे और विद फैमिली के साथ बच्चों के साथ कभी भी मैंने लीव नहीं ली, तो काफी इंजॉयिंग मेरा सफर रहा। और मैंने जो भी काम किया अपने सर्विस के दौरान भी, तो मैंने हमेशा कोशिश की कि बेस्ट से बेस्ट करूं, तो हमेशा अच्छा ही काम किया, मुझे मजा आता है। आगे भी सफर, प्रेग्नेंट ही थी, मैंने इंटरव्यू प्रेगनेंसी की हालत में दिया था। हाँ, और काफी मतलब उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वॉमिट कर रही थी लगातार, और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल नंबर आया था तो फिर इंटरव्यू हॉल में गई थी और उसके जाने से पहले भी और आने के बाद दोनों टाइम वॉमिट की थी। तो मुझे ऐसा नहीं लिया कि जैसे मैंने कभी लीव लेके पढ़ाई की हो या मैंने कभी जॉब छोड़ के पढ़ाई की हो,
और ये एक लोग एक्सक्यूज बनाते हैं कि हाँ शादी के बाद आप नहीं कर सकते, बच्चों के बाद आप नहीं कर सकते, बिना कोचिंग के आप नहीं कर सकते, जॉब के साथ नहीं कर सकते। तो मुझे हमेशा ये ख्वाहिश नहीं, मैं इन मिथ्स को तोड़ने पे मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी जेन्युइन इच्छा है और आपकी एक विल पावर स्ट्रांग है और आप डिटरमाइंड हो अपने काम के लिए अच्छी नियत के साथ, तो आप हमेशा ये कर सकते हो। इसमें मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली इन लॉज ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसके चलते मैं ऑफिस से आने के बाद तैयारी करती थी बच्चों से थोड़े देर प्यार मोहब्बत मतलब बातचीत करके उनके साथ खेल के। मैंने ऐसा भी नहीं किया कि उनको भी टाइम ना दिया हो। सब करने के बाद मैं अपना सोने के टाइम को कम करके और जो बीच बीच में मुझे टाइम मिलता था उस दौरान मैंने पढ़ाई की। और जब भी मैंने पढ़ाई की तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से की, कि जैसे अगर मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ तो मतलब मैं 10 घंटे। बुशरा ने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैनेजमेंट को चुना था। बुशरा का मानना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट काफ़ी सोच समझ कर चुनना चाहिए, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के सहारे कई बार कामयाबी हाथ से निकल जाती है। हमेशा उस सब्जेक्ट को चुनना चाहिए जिस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो। अगर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट चुन लेंगे जिसमें आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आपको परेशानी ही होगी। इसलिए कोशिश करिए सब्जेक्ट का चयन बहुत सोच समझ कर करें। बड़ा योगदान जो रहा है वो मैंने जो पीएचडी पोस्ट डॉक और एमबीए वगैरह किया वो मैनेजमेंट से किया है। तो चीजों को मैनेज करने की थ्योरेटिकल नॉलेज मुझे थी पहले भी। दूसरी चीज, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ या शादी के बाद या जॉब के साथ। मेरी जो जॉब है करंट में, वो तो मैं एसडीएम हूँ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का तो 24 आवर्स का जॉब होता है। और अगर आप पता करेंगे तो मेरा काम भी काफी अच्छा रहता है, मैं काफी एक्टिव एसडीएम में मानी जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर बच्चे कुछ ख्वाहिश कर रहे हैं तो मैं पेरेंट्स से पहले कहना चाहूंगी कि उनकी ख्वाहिशों को मारे नहीं, जो वो करना चाहें वो करें। जरूरी नहीं कि सिविल सर्विस करें, जो भी चीज करना चाहें वो करें, उसमें आपका पूरा सपोर्ट रहे जिससे वो उसमें फील्ड में एक्सेल करें। दूसरा, मैं बच्चों से और स्पेशली विमेन से कहना चाहूंगी कि आपके लिए मतलब बहुत सारे स्कोप्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। आप चीजों की प्रॉब्लम्स को मत देखिए, आप सॉल्यूशंस की तरफ देखिए। अगर अगर हमारी लाइफ में 1,000 ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जिनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए गॉड का, अल्लाह का, भगवान का, लेकिन हम उन 1-2 चीजों का रोना रोते हैं जो बहुत ही छोटी सी चीजें होती हैं लाइफ में, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम अपने दिमाग में वो ऐसा सोच लेते हैं तो हर चीज साइकोलॉजिकल होती है और उसका हमारे बॉडी पे, हमारे लाइफ में इम्पैक्ट आने लगता है। तो चीजों की कमियों को छोड़ें, अच्छाइयों पे, अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करें, तो 1,000 तरीके आपको मिल जाएंगे कैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।